बढ़ती हुई महंगाई के मद्देनजर जलगांव के राष्ट्रवादी कांग्रेस महिला विंग की ओर से सरकार का निषेध करते हुए आंदोलन किया गया। जलगांव शहर के टावर चौक पर महिला आघाड़ी की ओर से बढ़ती हुई गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए रैली आयोजित की गई एवं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्र की आलोचना भी की गई। जळगाव महानगरामध्ये आम्ही राष्ट्रवादी ग्रामीण महिला आणि शहराध्यक्ष या दोघे मिळून आदरणीय आमच्या प्रांताध्यक्ष रुपालीताई चाकणकर यांच्या आदेशाने संपूर्ण राज्यभर आज हे केंद्र सरकार विरोधात महागाई विरोधात जे मोदी सरकारने 25 रुपयांनी परत दरवाढ केलेली आहे सिलेंडरची त्या विरोधात आम्ही आंदोलन करत आहोत। टावर चौक से कोर्ट चौक तक निकाली गई एनसीपी महिला आघाड़ी की इस रैली में महिला जिलाध्यक्ष वंदना चौधरी, महिला महानगर अध्यक्षा मंगला पाटिल, कल्पिता पाटिल, जिलाध्यक्ष रविंद्र पाटिल, कुणाल पवार, रिजवान खाटिक, मजहर पठान, सलीम इनामदार समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही थी। अब इस रैली के बाद देखना है कि क्या और कितना असर पड़ेगा। ये कितना असर पड़ेगा ये तो राम ही जाने, लेकिन इस रैली की ने जलगांव के लोगों का ध्यान आज के लिए एनसीपी की ओर खींच लिया। जलगांव से जकी अहमद के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया आप तक न्यूज़ के लिए।